हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। भाई सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शिबली नगर में टोरेंट कर्मचारियों को एक बार फिर पब्लिक के विरोध का सामना करना पड़ा। इमारत में रहने वाले लोगों के विरोध के आगे टोरेंट कर्मचारियों को वापस लौट जाना पड़ा। शिबली नगर के सैफ अपार्टमेंट में टोरेंट कर्मचारी इमारत में मीटर कनेक्शन काट रहे थे। इसी दौरान इमारत में रहने वाले लोग नीचे उतर गए और टोरेंट कर्मचारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान करीब 4 मीटर से बिजली कनेक्शन काट दिया गया था। इमारत में रहने वाले लोगों का कहना है कि बिना नोटिस दिए कैसे कनेक्शन काटा गया, तो वहीं टोरेंट कर्मचारियों का कहना है कि नोटिस दी गई थी। इस दौरान काफ़ी हंगामा हुआ और लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेता अबू अल्तमश फैजी को भी वहाँ बुला लिया, जिसके बाद टोरेंट कर्मचारियों और पब्लिक के बीच में काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा। मौके पर पुलिस भी पहुँच गई। एक बात आपको बता दें कि टोरेंट पावर के द्वारा जो मीटर लगाने को लेकर लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, टोरेंट कर्मचारी को ना ही मीटर लगाने दे रहे हैं और ना ही टोरेंट कर्मचारी MSB के जो मीटर लगे हुए हैं वो काट पा रहे हैं। लगातार मुमरा शहर, सील, दीवा, इन इलाकों में टोरेंट कर्मचारियों का विरोध हो रहा है। ये कहीं भी मीटर लगाने या मीटर काटने के लिए जाते हैं तो इन्हें वहां से भगा दिया जा रहा है। और इसी तरह से 2 बार शिबली नगर में भी घटना सामने आ चुकी है। इसके पहले भी एक बार टोरेंट कर्मचारी मीटर लगाने के लिए शिबली नगर में गए थे और वहां से उन्हें भगा दिया गया था। और आज फिर टोरेंट कर्मचारी मीटर में बिजली कनेक्शन काटने गए थे और उन्हें फिर विरोध का सामना करना पड़ा और वापस लौटना पड़ा। इमारत में रहने वालों लोगों ने बताया है कि सभी मीटर काटने आए थे ये लोग, मगर जब विरोध किया गया उसके बाद टोरेंट कर्मचारी छोड़कर यहां से हटे। कैसा रहा वहां का पूरा ये माहौल देखिए हमारे इस वीडियो में। जो आदमी आया था काटने उसको बोला कि जोड़ दे बाबू, तो बोलता है साहब लोग को बोला रहा हूँ जुड़वाएंगे, वो लोग भाग गए। ये लोग हैं, आधी देखो ऐसे ये कट जाते, ये लोग हैं। कितने लोगों, कितने मीटर कटिंग किए? अभी मीटर की गिनती नहीं किया है जब तक आ गए थे लोग। पहली बात क्या है कि जो जितना भी प्रॉब्लम मीटर में है, ये लोग रोज दौड़ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, बुला रहे हैं, उधर कोई शॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं। 10 बार गया हूँ भाई, 10 बार बोलते हैं बिल भरना ही पड़ेगा, कोई शॉर्ट आउट नहीं कर रहा है। मेरा फरवरी का बिल पेट है, 4 महीने का बिल 30,000 आया है। उसका कौन से हिसाब से आया है, कौन से हिसाब से आया ये? उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो, वो बिल भरने के लिए तैयार है। यानी मतलब जो मीटर काटे हैं इन्होंने बिना नोटिस, बिना इन्फॉर्मेशन, बिना नोटिस का, ये बोलते हैं हम उसमें बिल के साथ में नोटिस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले इनको इन्फॉर्म करना चाहिए मीटर काटने से पहला कि तुम बिल भरो। अगर वो रीज़न बता रहे हैं कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं भर रहा है, बिना बताए आके केबिन में जो है ये काट के उसका ह्यूमन राइट्स के बगैर, सोसाइटी के परमिशन के बगैर पूरा इन लोग ने मीटर चेंज किए बगैर परमिशन के। सोसाइटी अगर एक्शन ले तो क्या करोगे? अभी आए थे वो लोग, उसमें केबिन में ताला लगा हुआ, तो कैसे? नहीं, ताला नहीं लगा था, वो वॉचमैन झाड़ू मार रहा था, वो झाड़ू वाला उसको निकाल दिए बाहर। अच्छा, और इन लोग ने डायरेक्ट जाके काट दिए पूरा। हम भूख हड़ताल में बैठे, नमाज पढ़ के मार रहे हैं और बैठ जा रहे हैं हम यहीं पे। जब तक ये सही नहीं करेंगे तब तक उसमें कोई आपका मामला नहीं होने वाला है। आप एक बार बैठ करके संजीदगी से कर लीजिए, आपको लगता है कि हाँ सही है और इनका काटना बिल्कुल दुरुस्त है, तो हम आपको कहाँ रोक रहे हैं? बिल्कुल नहीं रोकेंगे।
लेकिन आपको गलत है तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पहले तुम भरो, बेचारा कहाँ से लाके भरेगा, इतना लाके भरेगा, किससे कहाँ से लाके भरेगा। पहले आप उसको सही करवा लो, आप दोनों सेटिस्फाई हो जाओ, आप कह लो कि हाँ भैया आपको जिससे चेक कराना है चेक करा लो, हमारा सही है, आपको भरना पड़ेगा तो ठीक है। लेकिन गलत के लिए तो नहीं, नहीं होगा कि आप गलत किसी से जबरदस्ती भरवाते रहिएगा और कहिएगा कि हाँ जब आप काट के चले जाएंगे। काटने के पहले बोलना चाहिए कि तुम्हारा जो हम काटने जा रहे हैं डायरेक्ट आके काट दिए, मतलब नोटिस भी नहीं, डायरेक्ट आके काट देंगे। हमारे हाथ में नहीं है नोटिस, आई है सभी लोग दिखाए ना कहाँ नोटिस है, वो तो आपके पास है ना, हमारे पास आप कर आप दीजिए सब भी घर में नोटिस नहीं आपके पास है, आपके पास है कि आप नोटिस उसके बाद बोलते नहीं होगा, ह्यूमन राइट्स का कोई ये नहीं है, नहीं नहीं आपके पास है, कोई हक नहीं बनता है, कंज्यूमर राइट्स टोटल है भाई, कंज्यूमर राइट्स पीछे लिखा हुआ आप लोग क्या चाहते हैं, आप चाहिए ये चाहते हैं, आप लोगों को भेजा गया है गुजरात से कि भैया जितने गरीब दबे कुचले लोग हैं मुसलमान उन लोगों को जाकर ऐसा चूसो कि इकोनॉमिकली जो है पूरा वीक करके छोड़ो, ये आप लोग का एजेंडा है, उसी एजेंडे के तहत आप लोग आए हैं यहाँ पे, वरना आप जाइए ना किसी और जगह जाके लीजिए, आप जा करके आप आधे दाम पे वहाँ पर देते हैं, आप जितना दाम पे यहाँ पे दे रहे हैं उसके आधे दाम पे आप वहाँ देते हैं और उसके आधे दाम पे यानी एक चौथाई पे दहेज में आप देते हैं, क्यों इसका मतलब आपको परोड़ता है, आप अहमदाबाद सूरत आधे दाम में यहाँ से दहेज में एक चौथाई में आप ही प्रोवाइडर है, आप ही प्रोवाइडर है, कोई दूसरा प्रोवाइडर नहीं है, और यहाँ पर आकर के एकदम जबरदस्ती, जबकि जान रहे हैं कि ये दबे कुचले लोग हैं, इनके पास इकोनॉमी नहीं है, मुसलमान आज के डेट में सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान के अंदर कोई दबा कुचला है तो वो मुसलमान है, उसमें आ करके वो भी कोरोना काल से सब गुजर रहा है लोग, और उसमें आप आ करके जबरदस्ती अभी का अभी तुम हमको दे दो, आप पहले सबका शुरुआत कीजिए, लाख दो लाख पाँच लाख वाला का पहले उसका काट के हिम्मत है तो दिखाइए पहले आप, उसके बाद आप गरीबों पर आइए कीजिए ना, कौन मना कर रहा है, अगर सही है और उसका एक गलत क्या, हम आपको यहीं पर दिखा देते हैं, खाली अभी आप चलिए चैलेंज मैं आपको करता हूँ, ये आप हमको मीटर रीडिंग समझा दीजिए, ये समझा दीजिए, ये समझा दीजिएगा नहीं तो हम आपको आपके ऊपर केस बनाने के लिए अब हम चलेंगे पब्लिक के साथ, ये सिर्फ एक रीडिंग आप हमको समझा दीजिए और बता देंगे हम आपको समझा देंगे कि ये रीडिंग गलत है, ये गलत है ये वाला, अब हम बताते हैं कि कैसे टेक्निकली हम उनको समझा के आए कि यहाँ पर आपका यहाँ पर मीटर रीडिंग कैसे आएगा, यहाँ माइनस कर करके आएगा, आप ये बढ़ा दिए हुए, मान लीजिए कि नेक्स्ट टाइम कभी भी एवरेज लेंगे तो आप 2223 का आप ले लेंगे, आप टेक्निकली बात अगर करेंगे तो सारा इसमें प्रॉब्लम है, और इसको हम समझा के इब्राहिम साहब को आए थे कि इसमें प्रॉब्लम है आप इसको समझिए, तो हाँ ठीक है वो हम लोग कर लेंगे, अरे भाई एक आदमी का नहीं ना है सारे लोगों का प्रॉब्लम, हम समझ रहे हैं कि आपने चार्जेस किया है दूसरे हिसाब से और यहाँ पर रीडिंग लिया है किसी और हिसाब से, तो यही आप नहीं समझा पाएंगे तो आपने ठीक नहीं किया है तो आप क्या ठीक करेंगे, आप कीजिए, हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, हम यही भूख हड़ताल बैठ रहे हैं भाई, यहाँ से जब तक लगेगा नहीं तब तक हम यहाँ से उठने वाले अब नहीं हैं, और जब तक आप सही नहीं करेंगे हमारे पास भी है, या चलिए बैठिए हमारे साथ घंटा दो घंटा बैठिए, हम आपको बता देते हैं कि इसमें गलतियाँ हैं कि नहीं, ये क्या तरीका है आप लोगों का, किसी भी गरीब का उठ के चले आए पहले उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं मरते तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुम्हारा प्रॉब्लम है ये सॉल्व करा चलो, प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा।